सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, अगर हम निष्ठा ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग, यानी कि ये 13 कोर्स है, 13वां स्कूल लीडरशिप कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस। तो ये वीडियो और इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर इसके दिखाने वाले हैं, साथ में राइट आंसर। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए और हम बढ़ते हैं आगे। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए, आज की वीडियो के बाद हमारे पास 10 में से 10 मार्क्स आपके कंप्लीट आने वाले हैं, तो पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। पहला सवाल, विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है? खेल का मैदान, कक्षा कक्ष, स्टाफ मीटिंग और रसोई घर। तो चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर है, तो स्टाफ मीटिंग पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। हम कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए रहेगा, विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है, इसका क्या अर्थ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन्हें पढ़ लेते हैं। विद्यालय का चक्कर लगाना, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, अकस्मात छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना या अध्यापकों को नए शिक्षण तरीकों का प्रयोग करने में सहायता करना। तो इसका सही आंसर है, तो आप सेकंड वाले पे क्लिक कर देंगे, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। और अगर अंग्रेजी में बात करें तो एंगेजिंग इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम, और इस ऑप्शन को क्लिक करने बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपके लिए, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है? तो ध्यान रहे ये नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर, विद्यालय का विजन निर्मित करने में, विद्यालय से सम्मिलित क्षेत्रों का आकलन करने में, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में या केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा आपके लिए, तो इसका सही आंसर है केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस ओनली। तो इसमें आप क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट बढ़ने के बाद अगला सवाल रहेगा आपके लिए, इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है? तो फिर से नहीं है पूछा है। सक्रिय अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता है, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता, सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मक सोच पर जोर देता है, या सक्रिय अधिगम में अध्यापक सुगम करता होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा आपके लिए, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता, यानी कि अगर अंग्रेजी में बात करें तो एक्टिव लर्निंग डज नॉट इंक्रेज इंडिविजुअल थिंकिंग। तो इस वाले पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपके लिए, विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है? अधिगम प्रतिफल, विद्यालय विकास योजना, साझा दृष्टिकोण का निर्माण करना या दल अधिगम। तो इसका करेक्ट आंसर है, या तो कर लिया होगा आपने, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और इसका दल अधिगम को आप क्लिक करेंगे, दल अधिगम यानी कि टीम लर्निंग, तो क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है? फिर से नहीं है पूछा है, सक्रिय अधिगम, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु का ज्ञान, अकादमिक पर्यवेक्षण या प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने, इसका सही आंसर है, तो इसका आंसर आपने देख लिया होगा, इसका सही आंसर है प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन। क्लियर, क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला सवाल है, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है? विषय वस्तु ज्ञान, विषय की शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं एवं विविधता, या विद्यालय के भौतिक संसाधन। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, इसका सही आंसर है, तो सबसे लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे, विद्यालय के भौतिक संसाधन। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल है, स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव क्या हैं? ज्ञान संप्रेषण एवं नकारात्मक सोच, ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति, सकारात्मक सोच अनम्य होना एवं संप्रेषण, या अभिवृत्ति कौशल एवं संप्रेषण। तो आपने कौन से 3 मुख्य अवयव हैं उन्हें सही करना है, तो सही आंसर है इसका, तो इसका सही आंसर है नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, यानी कि ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति
क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला सवाल है, विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, लीडर बाय पोजीशन, लीडर बाय एक्शन, या लीडर बाय पोजीशन के साथ लीडर बाय एक्शन होना। सही आंसर क्या होगा इसके लिए? तो इसका सही आंसर है बीइंग ए लीडर बाय एक्शन इन एडिशन टू बीइंग ए लीडर बाय पोजीशन, यानी कि सबसे लास्ट वाला लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन का होना। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे। और अगला सवाल है आपके लिए, प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से दो महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं? प्रशासक एवं प्रबंधक, आयोजक एवं आयोजनकर्ता, पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, या खलल पैदा करने वाला एवं शिकायती रवैया। तो इसका सही आंसर रहेगा आपके लिए पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि बीइंग एन इंडिकेटर एंड पॉजिटिव आउटलुक। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 10 में से 10 हमारे अटैम्प हो चुके हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखते हैं कितने सवाल हमारे सही होते हैं। और ये वाओ, हमारे 10 of 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आप बढ़ जाइए तो हमारे सारे आंसर आपके क्लिक हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।